हे गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि फ्री फायर के हमारे टॉप बेस्ट सेंसिटिविटी आफ्टर OB44 अपडेट के बाद। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो सेंसिटिविटी है OB44 अपडेट के बाद 200 तक कर दिया गया, यानी कि आप लोग बिना DPI का यूज किए 200 तक DPI यानी कि जो सेंसिटिविटी का यूज कर सकते हो। लेकिन गाइस, अगर आप लोग इसमें थोड़ी सी भी गलती करते हो कि अगर आपकी मतलब 200 सेंसिटिविटी अगर हमें मिल रहा है, तो 200 का 200 पूरा फुल करके यूज करें, जिससे हमारा ज्यादा हेडशॉट लगेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसको आपको परफेक्टली एक सेंसिटिविटी फाइंड करना पड़ेगा, जो कि मैं 2-3 दिनों से ट्राई लगातार कर रहा हूँ कि हर एक मोबाइल में सेंसिटिविटी क्या होने वाली है। 2 GB RAM, 4 GB, मतलब 2 से 12 GB रैम के मैं आपको सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना यार, काफ़ी मजा आएगा। मतलब एक बार ट्राई करके देखना, नहीं लगेगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बट गाइस, ये जो मैं सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ, ये हर एक जो GB के रैम के हिसाब से मैं बताऊंगा, वो काफ़ी आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। सो चलिए वीडियो की आगे बढ़ते बिना देरी के। मैं बकचोदी नहीं करूँगा इस वीडियो में ज़्यादा, बस मैं मेन पॉइंट के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेंसिटिविटी में जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। देखो, ये जो सेंसिटिविटी है गाइस, ये 6 GB रैम वालों के लिए है परफेक्ट, क्योंकि मेरे के लिए उतना भी सेंसिटिविटी मुझे ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मेरे 100 में यूज करता था गाइस इससे पहले, उसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा हेडशॉट लगते थे। बट मैं यहाँ पर बस थोड़ी से ज़्यादा सेंसिटिविटी इसलिए रखा हूँ क्योंकि इसमें मूवमेंट काफ़ी अच्छा और ग्लू वॉल की स्पीड भाई कहता ही जहर होती यार, तो इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। जनरल को 175, रेड डॉट 161 एंड 2X इसको को 144 एंड 4X इसको को 100। इसको अगर आप स्कोप वाले को इंक्रीज और करना चाहते हो तो कर सकते। तो बट ये गाइस 6 GB रैम वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। हाँ, आपको थोड़ा सा सेंसिटिविटी हाई लगेगा, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा स्क्रीन को कंट्रोल करने में दिक्कत हो सकती है, बट मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हूं तो इतना में मेरा काफी ज्यादा और हेडशॉट लग रहे हैं पहले से ज्यादा मूवमेंट के साथ, तो अच्छा लगा। लेकिन इससे मैं पहले 6 GB रैम वालों के लिए 100 सबको रिकमेंड करता था, बट अब कुछ एडवांटेज मिल रहा है तो फ़ायदा उठाओ भाई। एंड उसके बाद अगर आप लोग 2 GB रैम वाले हो तो आप लोग जनरल को 200 पे कर दो गाइस, रेड डॉट को आप लोग 100 पे कर सकते हो, और 2X स्कोप यहाँ पर भी 100 पे, एंड इसको भी सबको स्नाइपर स्कोप को बस ज़्यादा 100 के पास ही रखना, यानी कि 2X 4X स्कोप रेड डॉट को इसको 200 पे आप लोग कर दो, क्योंकि 2 GB रैम में जिनको भी भाई जो 2 GB रैम में खेलते हैं उनको तो पता ही होगा कि उसमें सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, मतलब बहुत ही लैग करता है, बहुत ही लो सेंसिटिविटी होता है, स्क्रीन भाई मुड़ता नहीं है, ड्रैग करने पर ड्रैग भी नहीं होता, वन टैप हेडशॉट भी जल्दी अच्छे खासे नहीं लगते। लेकिन अगर आप लोग इसको 200 पे यूज करते हो तो बिना DPI के आप लोगों को सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा और हेडशॉट भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा लगेगा पहले से, ठीक है। बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ सकता है क्योंकि अचानक से सेंसिटिविटी का ऊपर नीचे होना, समझ सकते हो भाई। एंड उसके बाद 4 GB रैम वालों के लिए मैं आपको बता दूं, जनरल को आप लोग रख सकते हो, मतलब 150 के बीच में और 200 के बीच में रख सकते हो, 150 से 200 मैं आपको रिकमेंड करूंगा। 6 GB रैम के लिए तो मैं 175 रखा हूं। अगर 4 GB रैम में भी थोड़ी लो सेंसिटिविटी होती है तो आप 200 का यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एंड रेड डॉट को आप लोग 200 पे रखना मत रखना गाइस, रेड डॉट को आप लोग 4 GB रैम वालों के लिए 150 सही है, मेरे लिए भी 150 तक ठीक है, क्योंकि अगर 200 पे मतलब रख देते हो तो ज़्यादा ड्रैग होगा और जो UMP वगैरह SMG गन है इस सब में रिकॉइल ज़्यादा होगा 200 पे करोगे तो, 100 का भी यूज कर सकते हो, पहले भी मेरा 100 पे काफ़ी अच्छा हेडशॉट लगता था, ठीक है। 2X स्कोप को 4 GB रैम वालों के लिए 161 यहाँ पर 160 रख सकते हो, एंड यहाँ पर 4X स्कोप के लिए यहाँ पर आप लोग 170 रखना, ये आप लोगों का काफ़ी बेटर रहेगा 4 GB रैम वालों के लिए गाइस। स्नैपर स्कोप को तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर रखना चाहो तो यहाँ पर 112 यानी कि 100 या 110 तक के बीच में रख सकते हो। एंड उसके बाद गाइस 6 GB रैम के लिए मैंने बता दिया है, 6 GB रैम के लिए अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो थोड़ा सा पीछे चले जाओ, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 8 GB रैम वालों के लिए गाइस काफ़ी सेंसिटिविटी होता है उसके मोबाइल में, 8 GB रैम वालों के लिए, तो आप लोग जो पहले यूज कर रहे थे, ठीक है, पहले जो आप लोग सेंसिटिविटी यूज कर रहे थे 8 GB रैम यानी कि और 12 GB रैम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो सेंसिटिविटी आप लोग पहले यूज कर रहे थे और अगर आप लोगों को अच्छा खासा हेडशॉट लग रहा था तो आप लोग इसमें छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो आप लोग पछताओगे गैस, क्योंकि पछताओगे तो नहीं बट थोड़ा सा आप लोगों का जो सेटिंग जो बिगड़ जाएगा ना तो हेडशॉट नहीं लगेगा, रिकॉइल ज़्यादा होगा, मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे स्क्रीन को। लेकिन अगर मूवमेंट अगर स्क्रीन को कंट्रोल कर लेते हो गैस तो आप लोग पहले से काफ़ी प्रो यानी कि लेजेंड क्या ही बला, मतलब पहले से गेम प्ले जो आप लोगों का काफ़ी गॉड लेवल का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
तो आप लोग पहले वाला यूज करोगे तो काफी बेटर रहेगा, पर अगर आफ्टर अपडेट के बाद यूज करना चाहते हो तो थोड़ा आप लोग खुद से एक्सपेरिमेंट कर लेना। मैं आपको लोगों के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग अलग सेंसिटिविटी यूज करो, लेकिन जिनका अगर 8GB रैम में मतलब अच्छा खासा हेडसेट नहीं लगता था, रिकॉइल करता रहा होगा, तो वो आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे 120 के आसपास। रेड डॉट का आप लोग इतना रख सकते हो 130, और 2x स्कोप को आप ये सेम रहेगा इस टाइप से, थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है, इतना 150 तो इतना कर लेना 8GB एंड 12GB रैम। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस पर ट्राई करके जरूर देखना, काफ़ी ज़्यादा हेडसेट लगने वाला है। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।